जो महिला सामने आई है, जो पड़ोसी सामने आई है, उन्होंने अपने दिल की भड़ास किस तरह से निकाली है, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। ये कहा जा रहा था कि दरअसल सुशांत सिंह की जब मौत हुई उसके एक दिन पहले देर रात तक पार्टी चल रही थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि किसी भी तरह की कोई पार्टी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह तो 4 बजे 5 बजे तक जगे रहते थे, लेकिन उस दिन रात के 10:30 से 11:30 के बीच ही लाइट ऑफ हो जाती है उनके कमरे की, जो सामान्य नहीं है। और इसी के साथ इन्होंने शंका भी जाहिर किया। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट, देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो सुशांत सिंह राजपूत की पड़ोसी हैं, आपको बता दें उसी बिल्डिंग में ये रहती हैं, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि रात 10:30 बजे ही बंद हो गई थी लाइट। इतनी जल्दी कभी भी लाइट बंद नहीं होती है। और इसी के साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। कक्कड़ साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, सीबीआई ने दरअसल पुलिस से, मुंबई पुलिस से जिन चीजों को कब्जे में लिया है, जल्दी से अपने दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दे देती हूं, उसके बाद मैं अगले सवाल पर आऊंगी। सुशांत के 3 मोबाइल फोन, सुशांत का लैपटॉप, वो मग जिससे सुशांत ने जूस पिया था, सुशांत ने उस समय जो कपड़े पहने थे और फंदे के लिए इस्तेमाल में किए गए हरे रंग के कपड़े को भी अपने कब्जे में लिया है। ऑटोप्सी और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सीबीआई को मिल चुकी है। सुशांत के घर और फार्म हाउस से बरामद जो डायरिया है वो भी मिल चुकी है। 13-14 जून की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो भी सीबीआई ले चुकी है। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और इस केस से जुड़े सभी लोगों की सीडीआर भी मिल चुकी है सीबीआई को, और साथ ही 56 गवाहों के बयान की कॉपी भी सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस से हासिल कर ली है। अब मैं आपके पास आते हुए, एक तरफ सीबीआई की टीम जो मौके पर मौजूद है, टीआर कक्कड़ साहब, जो सुशांत के घर के अंदर छानबीन कर रही है, क्योंकि उसके सामने अलग अलग तरह की कई चुनौतियां इस वक्त हैं, और ऊपर से ये जो कब्जे में लिया है मुंबई पुलिस से, अब किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी ताकि वो किसी नतीजे पर पहुंच सके, टीआर कक्कड़ साहब? और लूपहोल्स कहां पर, यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं तो नजर आते हैं? ये जो सीबीआई ने मुंबई पुलिस से जो सारी चीजें हासिल की, एक औपचारिकता है जी। जब भी केस कोई भी सीबीआई को ट्रांसफर होता है, उससे पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाता है, जो जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो और फिजिकल एविडेंसेस या किसी और किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स है, वो सब उनसे ले लिया जाता है। यानी कि अब इस स्टेज पर मुंबई पुलिस को कोई आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। जो कुछ आपने किया आप हमें दे दीजिए, जो भी आपने सीज किया है, चाहे वो लैपटॉप है, टेलीफोन्स है, सीटीआर है, जो भी आपने किया है वो उन्होंने ले लिया है। अब वो अपनी तौर पर उसको एक बार फिर हर चीज को देखेंगे, हर चीज को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर कोई खामियां हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि दो बयान मिलते नहीं है, नहीं मिले, उस चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। टेलीफोन पर किसको फोन गए, किसको नहीं गए, क्यों गए, उन लोग जिन पर फोन गए, जिन्होंने किए, उन सबको एक बार फिर पूछा जाएगा। इसी तरह अगर लैपटॉप पे कुछ ऐसा एविडेंस है जो इस क्राइम की तरफ पॉइंट कर सकता है, करता है, तो उस पर और निगरानी की जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद फिर वो अपना भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों पर जो उनको दी गई हैं उन पर भी पूरी निगरानी से वो काम करते हैं और फिर जो भी उन्होंने करना होता है, मैं मतलब इतनी डिटेल्स भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि वो एविडेंस लिया है, उसकी जो भी उपयोग करना है उन्होंने वो करेंगे, वरना वो अपना भी इसी चीज के बारे में एविडेंस पूरा क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे। क्योंकि इस वक्त सीबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ ही मुंबई पुलिस की भी एक छोटी सी टीम वहां पर मौजूद है, उस टीम का रोल इस वक्त क्या रहा, क्या है सुशांत के घर के भीतर? वो रोल ये होता है कि वो इमीडिएटली वो कहते हैं हमें ये भी ला दो, बताइए ये हुआ था, वो फिर अपने विभाग से पूछते हैं, वो जो भी सीबीआई ने कहा है क्या, वो या वो
और तरह की मदद चाहते हैं। आफ्टर ऑल देखिए वो लोकल है, लोकल को मदद इन्वेस्टिगेशन में नहीं, मटेरियल कुछ मदद लेनी हो या किसी को बुलाना हो, आफ्टर ऑल अपना विटनेसेस को बुलाना है तो उनको कह सकते हैं उनको बुला दीजिए या खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर वक्त एक लोकल पुलिस की एक छोटी टीम जो है वो सीबीआई के साथ है जो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं ले। एक और छोटे से सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास मैं रुक करूंगी। क्योंकि बिहार पुलिस जब मुंबई गई थी, हमने देखा मुंबई पुलिस की ओर से सहयोग नहीं किया गया था और दो राज्यों की ईगो का ये मामला बनकर एक तरीके से सामने आया था। लेकिन अब चूंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम वहां पर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने पहुंची हुई है, तो क्या कम से कम इस पूरे मामले में माना जाए कि सीबीआई की टीम जो जो कहेगी, जैसे जैसे कहेगी, मुंबई पुलिस को तमाम वो साक्ष्य, वो सबूत, हर चीज मुहैया कराने होंगे सीबीआई को, या फिर यहां पर भी आनाकाने की स्थिति बन सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो जिस तरह मुंबई पुलिस, कलकत्ता पुलिस और पर्टिकुलरली दी आईपीएस ऑफिसर के साथ पेश आई, वो एक निहायत ही मतलब इट्स सो अनकंफर्टेबल। बिल्कुल, आईपीएस वाला एक आदमी जाए या कोई टीम इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो जिस जहां जाते हैं अगर उसको क्वारंटीन कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन की बात, ये इन्वेस्टिगेशन की, मैं अगर वहां पे जा रहा हूं अपने किसी निजी काम से तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब को या किसी को कह देता हूं भैया मैं आ रहा हूं मुझे थोड़ी सी मदद ये चाहिए, जरूर होती है। ये हमारी एक आईपीएस में एक बड़ा सा अच्छा सा तालमेल होता है कि भाई आप आइए। इसमें उसको क्वारंटाइन करना, अब उसकी पहले जो चार लोग थे, पांच लोग गए थे, उनको तो किया नहीं आपने, आपने आईपीएस वाले को क्वारंटाइन कर दिया। सो दिस क्लियरली शोर दैट यू डिड नॉट वांट दिस पर्टिकुलर ऑफिसर, दिस पर्टिकुलर टीम टू प्रोसीड एनी फर्दर इन द इन्वेस्टिगेशन। नाउ ये एस्टेब्लिश तो करता है और ये मतलब मैं जितनी भी इसकी मतलब निंदा करूं मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों वहां भी वो हैं, वहां भी वो हैं, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सीबीआई को लेकर अब तो मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस को मना किया था, अब तो सीबीआई को आपको सब कुछ देना पड़ेगा। उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है, सीबीआई को सब पावर्स हैं, अगर वो इस तरह करते हैं तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो समन कर सकते हैं मुंबई पुलिस के अफसर, किसी भी अफसर को।